बहुत सारे स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि हम किसी भी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, चैप्टर को हमने पढ़ लिया, चैप्टर को हमने समझ लिया, लेकिन हमें उस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर जब एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स को नहीं कर पाते। ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके दम पर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिख पाएंगे, एक्यूरेटली एग्जैक्टली आप लिख पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने एग्जाम में ले पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी प्रॉब्लम उन्हीं स्टूडेंट के सामने आती है जो कभी भी रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ा, लर्न किया, कॉपी को बंद किया और एश्योर हो गए कि अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसके आंसर को लिख लूंगा। जबकि होता इसका उल्टा है, विद्यार्थी वही सफल होते हैं एग्जाम में, स्टूडेंट वही सफल होते हैं जो कि अपने लिए सेल्फ नोट्स बनाते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, रिटन प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनकी लिखने की एबिलिटी बहुत बेहतरीन हो जाती है और इसी का फायदा उन्हें एग्जाम में मिलता है। मैं यहां पर आपको दो सेक्शन में वीडियो को डिवाइड करते हुए मैं आपको समझाता हूं कि आपका सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट की जिनके अंदर पूरी की पूरी थ्योरी होती है, जिनके लिए पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम इन सब्जेक्ट्स में चैप्टर पढ़ लेते हैं तब भी हम किसी क्वेश्चन के आंसर को लिख लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश, हिंदी और SST, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर हमें चैप्टर को पढ़ना, चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम चैप्टर को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को इन सब्जेक्ट्स में लिख सकते हैं। लेकिन साइंस, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट जिनके अंदर न्यूमेरिकल होते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनके अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपका अप्रोच इंग्लिश, हिंदी और SST में कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिए, जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास समय है तो आप पहला काम ये करें कि वन शॉर्ट वीडियो, यानी कि आप ऐसी वीडियोस को सर्च करें जिनके अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को एक वीडियो में आपको समझाया गया है इजी लैंग्वेज में। आप उस वीडियो से अपने नोट्स को प्रिपेयर करें और आप उस वीडियो को देखने के बाद एक पेज लें और सिर्फ एक पेज के अंदर आप हर चैप्टर को समराइज कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, क्लास 12th की बात करूं, अ लेटर टू गॉड आपका इंग्लिश का चैप्टर है, द लास्ट लेसन आपका क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर है, तो इन चैप्टर्स को आपको पहले वीडियोस के माध्यम से देखना है, चैप्टर को समझना है और फिर इन चैप्टर्स को 15-20 लाइंस के अंदर आपको समराइज कर देना है। SST की अगर मैं बात करूं, SST में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आपको चैप्टर को पढ़ना है और छोटे छोटे पॉइंट्स में हर मेन टॉपिक को आपको समराइज कर लेना है। इससे होगा ये कि अगर कोई भी क्वेश्चन इन चैप्टर से आपसे पूछा गया, बीच से कोई भी क्वेश्चन आपसे ट्रिकी पूछा गया, तो जो चीजें आपने एक पेज के अंदर पढ़ी थी वह चीजें आपके दिमाग में रहेंगी और आप उसे एग्जाम में जरूर लिख पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप नोट्स बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप उसमें लिखें उसे कम से कम 2-3 बार पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि आपने उतने बड़े चैप्टर को अपने टैलेंट के थ्रू, अपने मेहनत के थ्रू एक पेज में आपने समराइज किया है। अब बात करेंगे कि अप्रोच कैसी लगाएं जैसे हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करें। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, आपको बार बार कहा जाता है, कोई भी टीचर आपको समझाता है कि फोकस ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं, और मैं आपको बता दूं किसी भी चैप्टर में आप देखेंगे तो आपको 8-10 से ज्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं मिलते। उसका कारण होता है कि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूरे चैप्टर को क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको सिखा देते हैं। तो हमेशा जब भी आप पढ़ते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो आपको एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देते हैं, पूरे चैप्टर को आपके जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं तो आपको एग्जाम वाला फील भी आपको आता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनकी बदौलत आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी टाइप आप तैयार कर लेते हैं। अब बात करते हैं पार्ट टू में। दोस्तों, पार्ट टू का मतलब कि जब आप साइंस पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट इनके अंदर जिनके अंदर कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, जब भी आप इन टाइप के क्वेश्चंस को करें, इन टाइप के सब्जेक्ट्स को आप पढ़ें, साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि साइंस के अंदर आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
तीनों पार्ट आता है, और तीनों पार्ट में बायोलॉजी को छोड़ करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं, फॉर्मुलेज मिलते हैं। तो इनके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, इनके लिए आप करिए ये कि एनसीईआरटी के अंदर जो भी इंटेस्ट क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए ध्यान से, और इनके अंदर से कीवर्ड निकालिए और उसी कीवर्ड पर आप फोकस करिए। जैसे सपोज करिए आपसे पूछा गया डिफाइन ओम्स लॉ, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अब आपसे ओम्स लॉ पूछा गया है, तो ओम्स लॉ यहां पर आपका कीवर्ड है, यानी कि ओम्स लॉ के अंदर आपको बताना है कि ओम्स लॉ क्या है, ओम का लॉ किसने दिया था, ओम के लॉ की कंडीशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। और इस तरीके से जब आप करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आप चीजों को तैयार करेंगे, चाहे वह मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा सीख पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन साइंस और मैथ के अंदर ना समझ में आए, तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, चाहे मैथ्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे साइंस के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो, जब आप 2 से 3 बार इन चीजों को पढ़ेंगे, तो आप बहुत आसानी के साथ आंसर को लिख पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको एग्जाम में खुद से आंसर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पे अपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों में शेयर करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।